प्रणाम। आज बात करेंगे 11वीं भावना लोक स्वभाव भावना। ये पूरा विश्व, भारत, चाइना, इटली, स्पेन, अमेरिका या फिर मंगल ग्रह, प्लूटो, चंद्र, सिर्फ इतने से नहीं बना हुआ है। ये पूरा विश्व 14 राजलोक में समाया है। 14 राजलोक 3 अलग अलग विभाग में वर्गीकृत है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक। तिरछालोक यानी मनुष्य लोक, जो बिल्कुल 14 राजलोक के बीच में आया है, जहाँ मनुष्य रहते हैं, हम सब रहते हैं। ऊर्ध्वलोक जो तिरछालोक के ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर, जहाँ देव, देवी, ग्रह, नक्षत्र, ये सबके देवलोक है, विमान है, देव विमान है, ये हुआ ऊर्ध्वलोक। और जो पृथ्वी लोक के नीचे है वो है अधोलोक, जहाँ पे नरक और भुवन पति के देव रहते हैं। इस तरह ये पूरा विश्व बसा है। और 14 राजलोक के एकदम टॉप, ये पूरे 14 राजलोक के अंदर 84 लाख योनि, योनि यानी जीवों के उत्पन्न होने के स्थान, ऐसी 84 लाख जगह है जहाँ हमने भी कई बार जन्म भी लिए, कई बार मरण भी किए। आपको क्वेश्चन मंगाता है क्या कि ये 84 लाख जगह कौन सी है? तो डोंट वरी, ये आपको, मुझे और हमारे घर के हर छोटे बच्चे को ये 84 लाख योनि का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें आता है। 7 लाख तो सुना ही होगा ना, वो पूरे सूत्र के अंदर ये 84 लाख जगह बताई गई है जहाँ जहाँ जीव जन्म लेता है और मरण लेता है। ये लोक स्वभाव भावना के अंदर हमें परमात्मा से बस यही अपील करनी है, हे परमात्मा, कई बार ये 84 लाख योनि में मैंने जन्म लिया, कभी मैं ऊर्ध्वलोक में भी गया, कभी मैं तिरछालोक में भी गया, कभी मैंने अधोलोक में जाके भी कई कष्ट सहन किए। अरे इस तिरछालोक के अंदर भी कभी मैंने अनार्य देश में भी जन्म लिया होगा। आज इस कोरोना की महामारी में मैं कैसा अपने आप को सुरक्षित मानता हूँ कि अच्छा हुआ बाबा मेरा जन्म यूएसए में नहीं हुआ, अच्छा हुआ मेरा जन्म इटली में नहीं हुआ, अच्छा हुआ मेरा जन्म चाइना में नहीं हुआ, अच्छा हुआ मेरा जन्म इस आर्य भूमि में इंडिया में हुआ है। सिर्फ इतनी ही अपील से हमें ठहरना नहीं है, बल्कि परमात्मा से ये लोक स्वभाव भावना के अंदर भावते भावते ये अपील करनी है, अब मुझे कोई भी इस 84 लाख योनि के चक्कर में नहीं फंसना है, बस जल्द से जल्द मोक्ष मिले उसकी ही मनोकामना करनी है। ये मनोकामना कैसे करेंगे? तो रोज आत्मचिंतन करके। द फर्स्ट 3 स्टेप से ये आत्मचिंतन हम इजीली कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इंट्रोस्पेक्शन, रोज हम रात को सोने से पहले खुद की आत्मा का निरीक्षण करेंगे। आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, कितना प्रमाद किया, कितनी अच्छी बातें सोची, कितनी बुरी बातें सोची, कितने को मैंने डांटा, कितने पे गुस्सा किया, किसी के प्रति ज्यादा लगाव हो गया, या कोई चीज किसी ने मेरी ले ली तो मुझे कितनी ईर्ष्या हुई, ये सारे भाव रात को बैठे बैठे सोचेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मन में संकल्प करने का प्रयत्न करेंगे, एक एक चीज, चलो आज मैंने बिना वजह गुस्सा किया ना, कल से मैं अपनी वाइफ पे वो नमक इतना ज्यादा क्यों डाला, बस कल से ये एक चीज पे मैं कंट्रोल करूंगा। रोज ऐसे एक एक चीजों का हम संकल्प लेते जाएंगे कि ये चीज हम नहीं करेंगे, और पूरे दिन में यानी कि अगले पूरे दिन में हम अपने आप पे जागृति लाएंगे। हम डर, खाना आ गया हो हाथ में और हमारा माइंड ऐसा अलर्ट हो जाएगा कि यार खाना में क्या बराबर है क्या नहीं है, वो माइंड पहले से सोचने लगे, उसी वक्त हम हमारे जागृति लाएंगे और हमारे मन को कंट्रोल करेंगे, नहीं आज मुझे कोई गलती नहीं निकालनी है। इस तरह 3 चीजें, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना, संकल्प करना और जागृति लाना, ये 3 चीज अगर हम हर छोटे काम में अपनाएंगे तो बहुत जल्दी अपने आत्मा का परम सुख पाएंगे। आज के लोक स्वभाव में बस इतना ही। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक के भाव में 84 लाख योनि में हमने बहुत भाव भ्रमण किए, अनार्य देश, आर्य देश, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचिंद्रिय में भी कई बार जन्म ले लिया। बस परमात्मा अब इस जन्म मरण के आरे को यहीं खत्म करना है और जल्द से जल्द मोक्ष पाऊँ, ऐसी मुझ में शक्ति प्रदान कर।